उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी मुस्लिम वोट बैंक बढ़ाने पर ध्यान बनाए हुए है। इसी क्रम में वह मुस्लिम नेताओं को पार्टी में शामिल कर रही है। इमरान मसूद के बाद रविवार को एक और मुस्लिम नेता ने बसपा का दामन थामा है। AIMIM के पूर्वांचल के अध्यक्ष इरफान मलिक ने बसपा ज्वाइन किया है। इरफान मलिक की राजनीतिक पृष्ठभूमि मजबूत रही है। उनके पिता कमाल मलिक डुमरियागंज से 5 बार विधायक और मंत्री भी रहे हैं। कमाल मलिक का हाल ही में निधन हो गया। इरफान मलिक 2012 में AIMIM में शामिल हुए थे और उन्हें पार्टी ने 2 दिन बाद ही UP विधानसभा चुनाव का टिकट दिया गया था। 2022 में भी उन्हें पार्टी का टिकट दिया गया था और उन्हें डुमरियागंज से उम्मीदवार बनाया गया था। हालांकि उन्हें सपा उम्मीदवार के आगे हार का मुंह देखना पड़ा। इरफान से पहले इसी महीने इमरान मसूद ने अखिलेश यादव को झटका देते हुए सपा छोड़कर बसपा का दामन थामा था। इमरान मसूद को पश्चिमी यूपी की राजनीति में जाना माना चेहरा है और वह मुस्लिम वोट खींचने में मायावती के काम आ सकते हैं। वहीं पश्चिमी यूपी के साथ ही बसपा का फोकस अब पूर्वांचल है, इसलिए इरफान मलिक को टीम में शामिल किया गया है। इमरान मसूद को मायावती ने बसपा में शामिल करते ही बड़ी जिम्मेदारी सौंप दी और उन्हें पश्चिमी यूपी में बसपा संयोजक बना दिया गया। वहीं पूर्वांचल में इरफान मलिक को क्या जिम्मेदारी दी जाएगी, यह आने वाले कुछ समय में साफ हो जाएगा।